सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी, जो कि हमसे फरमाइश की गई थी। और उसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, जो कि हमने आधा किलो चिकन लिया है। इसको धोकर हमने अपने बाउल में रख दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक आधा नींबू लेंगे, जिसके हमने बीज अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। इसके ऊपर हम डाल के नींबू डालकर इसको हम मैरिनेट कर देंगे। और इसको हम छोड़ देंगे जब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे। इतने ये नींबू चिकन में अच्छी तरह से मिल जाएगा। दो मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, जिनको हमने रफली काट लिया है। बहुत बारीक भी नहीं काटा है और बहुत मोटा भी नहीं काटा है इसको। और दो टमाटर लेके हमने इसका मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है। ये देखिए, इसका एक फाइन पेस्ट बन चुका है। दही लिए हमने 100 ग्राम, और इसको भी हमने बीट करके रख दिया है। मलाई ली है हमने, जो कि आधी कटोरी है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो। काजू लिए हैं हमने तकरीबन 50 से 75 ग्राम। हरा धनिया लिया है हमने, 2 हरी मिर्च, जो कि हमने बीच में से काट लिए हैं, 4 टुकड़े कर लिए हैं। एक चम्मच लिया हमने इसमें कसूरी मेथी, आधा चम्मच लिया है हमने गरम मसाला, आधा चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, 1 चम्मच हमने लिया है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और इसमें लिया है हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा बड़ा कप हमने लिया है दूध। तो शुरू करते हैं। पैन में हमने तेल रख दिया है हमने। अब इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज, प्याज को हमारे 1 मिनट हो गया है इसमें डले हुए। अब इसमें डाल देंगे हम अपने काजू, उनको भी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। प्याज देखिए हमें ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, बहुत हल्की गुलाबी से थोड़ी सी तेज़ और ब्राउन से थोड़ी सी हल्की करनी है। ये देखिए इसका कलर। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने हीट को करेंगे बंद, और इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, और इसको ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। हमने अपना प्याज और काजू का जो है वो फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं उनको, और देखिए कलर इसका बिल्कुल भी डार्क नहीं है और ना ही बहुत हल्का है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा, तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। अपने गैस के ऊपर दूसरा पॉट रख दिया है, और उसमें हमने तेल डाल दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने इसे भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने टमाटर। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसमें ऐड कर देंगे अपने दही। इसे हम मिला लेंगे बहुत अच्छी तरह। लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और मसाला डाल के, और टमाटर का पेस्ट डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम अपना चिकन। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम अपना चिकन, जो कि हमने नींबू लगा के मैरिनेट किया था। अपनी हीट को करेंगे हम तेज, और इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह से चला लेंगे। चिकन डाल के हमने तेल हीट पे इसको अच्छी तरह कस लिया है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, जो कि हमने अभी तक नहीं डाला है अपने चिकन में। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है हमने इसमें। इसे मिलाएंगे अच्छी तरह। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हीट को करेंगे हम मीडियम लो हीट, और उसको हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और इस बीच में हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और इतना तैयार करेंगे हम अपना पेस्ट, जो कि हमने प्याज और काजू फ्राई किए थे उसका पेस्ट हम पीस लेंगे। इतने 2 से 3 मिनट हमारे चिकन को हो गए हैं, और इस बीच में हम इसको चलाते रहे थे। बीच बीच में काजू और प्याज का पेस्ट हमने पीस लिया है। अब अपने चिकन को देखते हैं हम।
चिकन हमारा गल चुका है और इसकी हीट को करेंगे हम अब तेज, और इसको हम अच्छी तरह तेज हीट पर भून लेंगे। चिकन हमारा भून चुका है ये देखिए, और इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज और काजू का पेस्ट, इसे डालकर अच्छी तरह हम मिला लेंगे। काजू और प्याज का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला इसमें हमने अपने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम मेथी। इसे मिला देंगे अच्छी तरह। अब इसमें डाल देंगे हम क्रीम। इसे डाल के अच्छी तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत हमारा चिकन चंगेजी का कलर हो चुका है और बहुत बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। क्रीम डाल के, काजू का पेस्ट डाल के, मेथी डाल के और चाट मसाला डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है ये देखिए। लेकिन इसका जो मसाला है वो काफ़ी गाढ़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे अपना दूध। जितने हमें अपनी ग्रेवी रखनी है, जिस हिसाब से रखनी है उस हिसाब से आप इसमें दूध डाल दीजिए। दूध इसमें डाल दिया है जितना हमें इसका मसाला रखना है, जिस हिसाब से रखना है हमने उस हिसाब से इसमें दूध डाल दिया है। तो आप भी इस हिसाब से डाल दें इसमें दूध, जितना आपको इसका थिकनेस रखनी है। और इसको हम दो एक से एक मिनट तक इसको अभी और उबाल लगाएंगे इसमें, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और हरी मिर्च। तो एक मिनट इसको पकाते हैं हम, बिल्कुल मीडियम हीट पर ढककर पकाएंगे एक मिनट के लिए। ये देखिए हमने इसे दूध डाल के एक मिनट पका लिया है और अपनी हीट हमने कर दी है बिल्कुल लो। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। इसे मिला देंगे हम अच्छी तरह। हरी मिर्च हरा धनिया हमने इसमें मिला दिया है अच्छी तरह, और हमारा चिकन चंगेजी बिल्कुल तैयार है। एक बात और आपको हम बता दें कि जब आप काजू का पेस्ट डालें तो ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत जल्दी तले में लगता है, तो ध्यान रखें उसे चलाते रहें लगातार, नहीं तो वो चिपक जाएगा, जल जाएगा। और देखिए हमारी आसानी से, कितनी आसानी से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। चिकन चंगेजी बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।